वर्ल्ड कप क्वालिफायर में मेजबान जिम्बाब्वे ने अब तक खेले गए अपने दोनों मुकाबले जीत लिए हैं और दोनों में ही लक्ष्य का पीछा करते हुए जीत हासिल की है। इन दोनों मैच में जिम्बाब्वे बल्लेबाजों ने बड़े रिकॉर्ड तोड़े हैं। पिछले मुकाबले में जिम्बाब्वे ने नीदरलैंड को 6 विकेट से हराया था। इस मैच में सिकंदर रजा ने महज 54 गेंद में नाबाद 102 रनों की पारी खेली थी। ये जिम्बाब्वे की तरफ से सबसे तेज वनडे शतक भी है। रजा ने शतक जमाने के साथ ही इस मैच में 4 विकेट भी झटके थे। जिम्बाब्वे ने वर्ल्ड कप क्वालिफायर के अपने दूसरे मुकाबले में नीदरलैंड को 55 गेंद रहते 6 विकेट से हराया था। जिम्बाब्वे ने 316 रन के टारगेट को 40.5 ओवर में ही हासिल कर लिया। ये क्वालिफायर में जिम्बाब्वे की लगातार दूसरी जीत थी। इस जीत में सिकंदर रजा का अहम रोल था। उन्होंने 4 विकेट झटके और फिर तूफानी शतक ठोक अपनी टीम को जीत दिलाई थी। सिकंदर रजा ने 316 रन का पीछा करते हुए महज 54 गेंद में 102 रनों की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने जिम्बाब्वे की तरफ से सबसे तेज वनडे शतक का रिकॉर्ड भी बना लिया। सिकंदर से 2 दिन पहले ही सिन विलियमसन ने नेपाल के खिलाफ वर्ल्ड कप क्वालिफायर में 70 गेंद में शतक ठोका था। ये तब वनडे में जिम्बाब्वे की तरफ से सबसे तेज सेंचुरी थी, लेकिन 48 घंटों में ही सिकंदर ने सिन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया और महज 54 गेंद में जिम्बाब्वे के लिए सबसे तेज वनडे सेंचुरी ठोक दी। सिकंदर ने इस पारी के दौरान छक्के से अपनी सेंचुरी पूरी की। उन्होंने वैन विक के ओवर में 2 छक्के लगाए और जीत के साथ ही शतक भी पूरा किया। सिकंदर ने नाबाद 102 रनों की पारी के दौरान कुल 6 चौके और 8 छक्के उड़ाए। उन्होंने 179 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। सिकंदर ने जिम्बाब्वे की पारी के 39वें ओवर में सारिज अहमद के खिलाफ लगातार 3 छक्के मारे थे।